इंडियन टू व्हीलर मार्केट में अपने माइलेज के लिए मशहूर एंड चीपेस्ट 100cc बाइक बजाज प्लैटिना 100 को भी बजाज ऑटो ने BS6 अपडेट दे दिया है। बजाज ऑटो ने इस बाइक में FI के बदले एक नई टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर को इंट्रोड्यूस किया है और यहां एग्जॉस्ट पे कैटालिटिक कन्वर्टर को ऐड किया गया है। इसके अलावा अभी इस बाइक का डिजाइन बिल्कुल प्लैटिना 110 एज गियर की तरह ही किया गया है और अभी ये बाइक डिस्क एंड ड्रम दोनों वेरिएंट में ही अवेलेबल है। आज की इस वीडियो में मैं बजाज प्लैटिना 100 BS6 वेरिएंट की एक डिटेल रिव्यू आपको देने वाला हूं। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको इस बाइक का प्राइस, एक्सपेक्टेड माइलेज, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन सब कुछ बताऊंगा। आप इस वीडियो को आखिर तक देखकर कमेंट में बताएं इस बाइक के बारे में आपका ओपिनियन क्या है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द बाइकर्स डायरी यूट्यूब चैनल और मैं हूं अमित। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर दी बाइकर्स डायरी फैमिली से जुड़ जाइए। आप मेरा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए और दोस्तों अभी तो आप ज्वाइन बटन को दबाकर इस चैनल का एक वैल्यूएबल मेंबर भी बन सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो BS6 अपडेट के बाद इस बाइक का प्राइस 5,000 रुपीज इंक्रीज हो गया है। अभी कोलकाता में इस बाइक की एक शोरूम प्राइस है 61,562 रुपीज और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ MS बजाज नैहट्टी शोरूम में। अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो इस बाइक की ऑन रोड प्राइस एंड फाइनेंस स्कीम जानने के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं इस बाइक का मेन अपडेट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को लेकर। 2020 बजाज प्लैटिना 100 में 102cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड DTSI इंजन मिलेगा जो 7500 RPM में मैक्सिमम 7.9 PS पावर एंड 5500 RPM में मैक्सिमम 8.3 Nm टॉर्क प्रोवाइड करेगा। इस बाइक का फ्यूल डिलीवरी सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर टाइप है। अब इस बाइक का कार्बोरेटर ECU कंट्रोल करेगा, आप इस बाइक को मैनुअली ट्यून नहीं कर पाएंगे और इसमें तो अभी फ्यूल ऑन ऑफ का ऑप्शन को भी बरकरार रखा गया है। इस बाइक में पहले जैसा ही 4-speed गियर बॉक्स का यूज किया गया है और बाइक का जो गियर शिफ्ट पैटर्न है वो ऑल डाउन पैटर्न है। एग्जॉस्ट मफलर की तरफ देखें तो एग्जॉस्ट मफलर को भी अपग्रेड किया गया है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन सेंसर देखने को मिलेगा और इसके थोड़ा नीचे यहाँ पे एक कैटालिटिक कन्वर्टर भी दिया गया है। इसी के चलते अभी इस बाइक का एग्जॉस्ट गैस में पहले से और भी कम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा। दोस्तों इस बाइक का इनिशियली टेस्टेड माइलेज है 80 km/h और इस बाइक में इलेक्ट्रिक स्टार्ट ऑप्शन के साथ साथ किक स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा। 2019 से ही ये बाइक एंटी स्किड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है और इस बार भी वही टेक्नोलॉजी इस बाइक में दिया गया है। एंटी स्किड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जिसके वजह से पीछे का ब्रेक दबाने से सामने का ब्रेक भी पार्शियली दब जाता है और उसके वजह से बाइक का ब्रेकिंग पावर एंड स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। इस बाइक का फ्रंट व्हील में ड्यूल पिस्टन कैलिपर 240mm डिस्क ब्रेक एंड रियर व्हील में 110mm ड्रम ब्रेक मिलेगा। फ्रेम एंड सस्पेंशन की तरफ देखें तो दोस्तों इस बाइक में वही फ्रेम एंड सस्पेंशन यूज किया गया है जो प्लैटिना 110 एज गियर में यूज किया जाता है। इस बाइक में ट्यूबलर सिंगल डाउन ट्यूब विथ लोअर क्रैडल फ्रेम का यूज किया गया है और इस बाइक का रियर में राउंड टाइप स्विंग आर्म भी यहां पे आपको मिलेगा। इस बाइक का फ्रंट में 135mm ट्रैवल लेंथ के साथ 33mm डायमीटर वाला टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है और सस्पेंशन की साइड में यहाँ पे लेटेस्ट सेफ्टी नॉर्म्स के चलते येलो रिफ्लेक्टर मिलेगा और यहाँ पे एंटी स्किड ब्रेकिंग बैजिंग भी देखने को मिलेगा। इस बाइक का रियर में नाइट्रॉक्स गैस चार्ज्ड 5-स्टेप एडजस्टेबल ट्विन सस्पेंशन मिलेगा जिसका व्हील ट्रैवल लेंथ है 110mm। दोस्तों इस बाइक का कार्ब वेट है 119kg। इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है 200mm, व्हील बेस है 1255mm एंड सीट हाइट है 807mm। चलिए बात करते हैं इस बाइक का लुक्स को लेकर। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस बाइक का लुक्स एंड डिजाइन बिल्कुल बजाज प्लैटिना 110 एज गियर की तरह ही किया गया है और अभी आप इस बाइक का ब्लैक कलर को देख रहे हैं। इसके अलावा रेड कलर में भी ये बाइक अवेलेबल है। सामने से देखे तो बजाज प्लैटिना 110 एज गियर जैसा हेडलाइट सेटअप आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे ब्लैक कलर का विंडशील्ड दिया गया है। वाइजर की साइड में यहाँ पे सिल्वर ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। इस बाइक में LED DRL के साथ DC ऑपरेटेड 35x35W हैलोजन बल्ब टाइप हेडलाइट मिलेगा और इस बाइक में क्लियर लेंस वाला सेमी फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर्स का यूज किया गया है। इस बाइक का फ्रंट मडगार्ड बॉडी कलर जैसा है। दोस्तों ये बाइक 11 लीटर कैपेसिटी वाला फ्यूल टैंक के साथ आता है। आप यहाँ टैंक के ऊपर में गोल्डन कलर का प्रिंटेड प्लैटिना ब्रांडिंग देख पाएंगे। टैंक के ऊपर यहाँ पे एक डिफॉल्ट टैंक पैड भी दिया गया है
रियर साइड काउल की तरफ देखें तो रियर साइड काउल में 100 कंफर्टिंग बैजिंग किया गया है। टेल लाइट की बात करें तो दोस्तों इस बाइक में 5x21 वाट बल्ब टाइप टेल लाइट मिलेगा और इस बाइक का रियर में भी क्लियर लेंस वाला सेमी फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर्स का यूज किया गया है। दोस्तों इस बाइक में एक लंबा फ्लैट सिंगल सीट दिया गया है जो बहुत ही कंफर्टेबल है। सीट के ऊपर यहाँ पे स्ट्राइप्स मिलेगा और कंफर्टेड ब्रांडिंग भी यहाँ पे किया गया है। रियर साइड में एक कन्वीनियंट ग्रैबर भी यहाँ पे आपको मिलेगा। इस बाइक में डिसेंट क्वालिटी का स्विच कंसोल दिया गया है। लेफ्ट साइड स्विच कंसोल में पास बीम, हाइलो बीम, इंडिकेटर एंड हॉर्न स्विच मिलेगा और राइट साइड में इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच एंड हेडलाइट ऑन ऑफ स्विच मिल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो दोस्तों बजाज प्लैटिना 100 में फुल्ली एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर मिलेगा। राइट साइड में फ्यूल मीटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, टर्न लाइट इंडिकेटर, इंजन मैलफंक्शन इंडिकेटर एंड हाई बीम इंडिकेटर मिल जाएगा। व्हील्स एंड टायर्स की बात करें तो दोस्तों बजाज प्लैटिना 100 का फ्रंट व्हील में जैपर टाइप 2.75 साइज का ट्यूब टाइप टायर एंड रियर व्हील में जैपर टाइप 3.00 साइज का ट्यूब टायर मिलेगा और इस बाइक का रिम 17 इंच डायमीटर वाला है। 100 सीसी कम्यूटर बाइक सेगमेंट में बजाज प्लैटिना 100 BS6 एक बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट बाइक है एंड आफ्टर सेल्स मेंटेनेंस भी काफी सस्ता पड़ता है। तो दोस्तों ये था बजाज प्लैटिना 100 BS6 मॉडल का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू। इस बाइक के बारे में आपका ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राइड सेफ, जय हिंद, चाओ।